एक रहस्योद्घाटन कर दूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महामना शब्द से श्री सुखदेव जी महाराज ने आनंद जी अपने गुरु का स्मरण कर लिया। सुखदेव जी के गुरु कौन है? श्री राधा रानी। मानो श्री कृष्ण जन्म की आड़ में सुखदेव जी ने अपने गुरु श्री राधा रानी का भी जन्मोत्सव मना लिया, महामना कहकर। महामना कौन? वृषभानुजा। वृषभानुजा सुखदेव कौन है? राधा रानी के लीला शुक है। इसलिए श्रीमद् भागवत में आप दर्शन करें, श्री सुखदेव जी ने राधा नाम नहीं लिया, आत्मा नाम गुरुर नाम, अपना नाम और अपने सदगुरु का नाम अपने वाणी से शब्दों से स्पष्ट नहीं लेना चाहिए। एक शास्त्र मर्यादा है, शास्त्र कथन है। पूरे भागवत को आप देखिए, द्वितीय स्कंद में जहां मंगलाचरण किया सुखदेव जी ने, तो वहां कहते हैं निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। राधा नहीं कहते हैं। दशम स्कंद रास पंचाध्यायी में सुखदेव जी वर्णन करते हैं अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। राधा नहीं, राधितो। कमाल है, कहीं राधसा कहीं राधितो, राधा क्यों नहीं? बोले इसीलिए नहीं, श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा क्षण मासिकी भवे। जहां राधा कहते हैं 6 महीने की समाधि लग जाती है श्री सुखदेव जी की, और कहीं समाधि लग गई तो परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा? इसलिए राधा नहीं कहते, राधसा कहते हैं, राधितो कहते हैं। गुरु का नाम स्पष्ट लेना ही नहीं चाहिए। मानो नंदोत्सव की आड़ में, कृष्ण जन्म की आड़ में श्री सुखदेव जी ने अपनी गुरु श्री राधा रानी किशोरी जी का भी जन्मोत्सव मना लिया, महामना कह करके। महामना कौन? वृषभानुजा। वृषभानुजा